हेलो स्टूडेंट्स, मैं कमलेश चौधरी और आज रोहित सर के साथ हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, महेंद्र रोहित सर के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं फिजिक्स में गुरुनीति नंबर 21। टोटल अपने पास 33 थी जिसमें 21 नंबर आज हम डिस्कस कर रहे हैं और इसमें अपना टॉपिक रहेगा करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी को अपन ने दो पार्ट में डिवाइड किया है, जो पहला पार्ट है वो अभी डिस्कस करने जा रहे हैं, नेक्स्ट में अपना नेक्स्ट पार्ट जो रहेगा वो डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। चालू करें जी सर। तो जो अपना पहला क्वेश्चन है, इसके अंदर एक करंट आई फ्लो हो रहा है यूनिफॉर्म वायर से और जिसका डायमीटर बता रखा है डी। अब बोल रखा है कि जो मेन ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो इसकी वी है, तो सेम करंट फ्लो हो रहा है अगर वायर में और डायमीटर अगर आधा कर दिया जाए, डी बाई टू कर दिया जाए, तो पूछा हुआ है कि सेम मटेरियल है, सब कुछ सेम है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होगी अब वो कितनी हो जाएगी। तो इसके लिए हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में पता होना चाहिए कि करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है। जी सर। तो करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में सर अपना रिलेशन कुछ इस तरह से है, आई हम बोल सकते हैं एन ई ए बी डी, ये अपना रिलेशन है। इसके अंदर एन होता है जो भी हम कंडक्टिंग वायर की बात कर रहे हैं उस वायर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम कितने हैं, वो चीज रहती है। यस सर। और ई है एक चार्ज, जो भी इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन का चार्ज की वैल्यू कितनी है। yes, जैसे अपन बोलते हैं 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम हो रही है। ए है इस वायर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो, और क्वेश्चन में ध्यान दोगे तो डायमीटर की बात की हुई है ना। yes, sir. तो जो एरिया है वहां से अपन डायमीटर को रिलेट कर दें। yes, sir. तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि डायमीटर हाफ कर दिया, तो एरिया अपन बोल देंगे बाई फोर। yes, sir. तो एरिया बाई फोर हो जाएगा और ड्रिफ्ट वेलोसिटी फिर पूछी हुई है कितनी है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटी बोल सकते हैं कि जब मूव करें तो इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटी कितनी। तो करंट सेम रखा हुआ है, एन मटेरियल वही है, ई सेम है, तो हम बोल सकते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यस सर। और एरिया डायमीटर आधा करते ही बाई फोर हो गया था। yes, तो एरिया बाई फोर होते ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी वैल्यू फोर टाइम्स हो गई, फोर टाइम्स हो जाएगा, थर्ड आंसर जी। ठीक है। तो अब अपन नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द टर्मिनल पॉइंट पी एंड क्यू इज 4 ओम इज गिवन सर्किट, देन फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ आर इन ओम। देखो हमारे पास ये एक सर्किट गिवन है और इस पी और इस क्यू पॉइंट के बीच का यहाँ का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 4 ओम गिवन है। ठीक है। तो इस आर की वैल्यू जो है वो ये जो पांच रेजिस्टेंस हैं ये सारे के सारे आइडेंटिकल हैं। ठीक है। तो हम यहाँ पर देखा जाए तो ये तीनों के तीनों रेजिस्टेंस क्या है, पैरेलल के अंदर है, तो इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा आर बाई थ्री। ठीक है। तो यहां से देखा जाए तो ये एक आर बाई थ्री का रेजिस्टेंस हो गया और ये आर रेजिस्टेंस हो गया, ये दोनों क्या है अब सीरीज के अंदर है। हाँ। तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा सीरीज में अपन ऐड कर 4R/3 हो जाएगा। ठीक है सर। और ये एक आर रेजिस्टेंस इसके पैरेलल में है और ये पॉइंट हो गया क्यू और ये पॉइंट हो गया पी। तो ये दोनों पैरेलल में है, तो यहां से आर पी क्यू जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा पी और क्यू के बीच में वो क्या हो जाएगा 4R/3 इंटू आर बाई 4R/3 प्लस आर। ठीक है सर। तो यहां से देखा जाए तो ये क्या आ जाएगा 4R²/3 और डिवाइड में रहेगा ये 7R/3। थ्री से ये थ्री कैंसिल कर दो, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4R/7 हो जाएगा आर पी। ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, हमारे को गिवन है 4 ओम। ठीक है। तो 4 से 4 कैंसिल कर देंगे तो ये 7 इधर आ जाएगा, आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 ओम आंसर आ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग अपना क्या हो जाएगा, फर्स्ट आंसर करेक्ट, फर्स्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है सर। नेक्स्ट पूछा। ठीक है। तो नेक्स्ट है, अगले क्वेश्चन में हमें कुछ एक सर्किट दे रखा है जिसमें हर एक जो रेजिस्टेंस है वो आर का है। यस सर। अब इसमें बताना है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में कितना हो। अब सर्किट सॉल्व करें तो अगर हमें कोई सीरीज पैरेलल दिखता है तो सबसे पहले अपन उसको सिंपलीफाई कर ले। तो यहाँ पे अपन को यहाँ पे दिख रहा है कि दो रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल में है, सेम वैल्यू के होते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर बाई टू बोल देते, तो यहाँ पे अपन बोल देंगे आर बाई टू का। यस सर। यहाँ पे भी इक्विवेलेंट बोल देंगे आर बाई टू। फिर यहाँ पे ये सीधा वायर है तो ये दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल वाले हो गए, इनको ज्वाइन कर सकते, तो इनको ज्वाइन कर सकते हैं। यस। तो जैसे इनको ज्वाइन करेंगे तो ये दोनों रेजिस्टेंस अपन को फिर से पैरेलल में दिख जाएंगे, ये फिर से आर बाई टू हो गया। यस सर।
ऐसे ये r by 2 हो जाएगा, r by 2 इधर भी r by 2 रह गया, इधर भी r by 2, r by 2 हो गया। तो अब ये जो सर्किट है ये अपना सर्किट फाइनली कुछ कन्वर्ट होके आ गया, उसमें जो वैल्यूज थी उन वापस देख लेते हैं एक बार, इन सभी को हम दोबारा ड्रॉ कर रहे हैं, यही भी एक बार ड्रॉ कर देते हैं। तो ये सर्किट कुछ इस तरह से हो गया कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस R by 2 का इन दोनों की जगह से, yes, sir. ऊपर एक रेजिस्टेंस R by 2 का हो गया अपना, yes, sir. इधर एक रेजिस्टेंस R by 2 का हो गया, इधर R by 2 हो गया, yes, sir. ये एक रेजिस्टेंस R by 2 हो गया अपना, ये रेजिस्टेंस R by 2 हो गया, yes, sir. यहाँ पे जो अंदर उसको हम बाहर बना दो, बाहर इसको स्ट्रेच कर लेंगे, ठीक है, स्ट्रेच कर दिया। तो इधर एक R बना दिया, yes, sir. इधर एक रेजिस्टेंस R बना, ठीक। Yes, अब इसमें आगे सॉल्व करने के लिए, अब ये तीनों हमें दिख रहे हैं सीरीज में, yes, sir. ये तीनों हो गए सीरीज में, तो अगर ये तीनों सीरीज में है तो सीरीज में ऐड हो जाएंगे, yes, sir. तो इनकी जगह मैं इक्विवेलेंट ऊपर वाले तीनों की जगह इक्विवेलेंट लिख दूं, ऐड करके R by 2 का 3 टाइम्स, yes, sir. और ऐसे नीचे वाले तीनों जो है वो सीरीज में हो गए, तो वो तीनों मिलकर अपने हो गए R by 2 का 3 टाइम्स, और इधर एक R आ गया, इधर एक R, यस सर। अब ये दोनों दिख रहे हैं, ये अपने हो गए पैरेलल के अंदर, यस सर। पैरेलल में सेम रहते हैं तो हाफ हो जाते हैं, यस सर। तो इनकी जगह अपन लिख देंगे 3R by 4, और इधर रह गए R, इधर रह गया R, तो R अब ये सीरीज में हो गए, सीरीज में फिर ऐड कर दिया, यस सर। तो 2R तो ये हो गया, और 3R by 4 ये हो गया 8, और 3 11R by 4 ये अपना हो जाएगा। तो 11R by 4 अपना है फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन, यस। अगले क्वेश्चन पे चलते, नेक्स्ट पे चलते हैं, यस सर। फोर्थ क्वेश्चन है, इन द सर्किट शोन इन फिगर द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेव फ्लो ऑफ करंट रेस्पेक्टिवली वुड बी। देखो हमारे पास एक सर्किट गिवन है, यहां पर दो बैटरी गिवन है, एक 10 वोल्ट और एक 4 वोल्ट। देखो इस बैटरी का पॉजिटिव से पॉजिटिव है, इसका मतलब ये परफेक्टली सीरीज कॉम्बिनेशन तो नहीं है बैटरी का, इसका मतलब यहां पर नेट जो वोल्टेज होगा वो कितना हो जाएगा सर, 6 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। और डायरेक्शन जो होगी वो बड़ी वाली बैटरी के अलोंग बनेगी, ठीक है। और बड़ी वाली बैटरी के लिए अगर देखा जाए तो डायरेक्शन ऑफ करंट पॉजिटिव टू ऐसे, हां, नेगेटिव इस तरफ से, ठीक है। तो डायरेक्शन करंट की हो गई ए टू बी, टू ठीक है। अब अगर अपन बात करें नेट वोल्टेज आ गया, आर नेट क्या हो जाएगा, 1+3+2 कितना हो जाएगा, आर नेट हो जाएगा हमारे पास 6 सीरीज की वजह से, तो करंट आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी नेट बाय आर नेट, ठीक है, ठीक है सर। तो ये 6/6 हमारा आंसर आ जाएगा 1 एम्पियर, तो इसके अकॉर्डिंग 1 एम्पियर आंसर, और ए टू बी वाया ई अपना आंसर रहेगा 4 करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से एक सर्किट गिवन है और मैक्सिमम एनर्जी स्टोर कैपेसिटर में, ये जो कैपेसिटर सर्किट के अंदर आया, बाकी सारे रेजिस्टेंस है, एक कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर पूछा हुआ है। और कैपेसिटर जो शुरुआत में था वो अनचार्ज था, मतलब पहले से कोई चार्ज इसको दिया नहीं था, कनेक्ट कर दिया सर्किट में, अब इसमें एनर्जी कितनी स्टोर होगी। वैसे तो अपन कैपेसिटर में एनर्जी अलग अलग फॉर्म में लिख सकते थे, यस सर, कि अगर हम एनर्जी लिखना चाहें चार्ज और वोल्टेज के टर्म में तो हाफ क्यू बी बोल देते हैं, कैपेसिटर पे चार्ज वोल्टेज, या इसको हम लिख सकते हैं हाफ सी बी स्क्वायर, या इसको हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ क्यू स्क्वायर, मतलब क्यू स्क्वायर पर बोल सकते हैं, ये वैल्यूज हम इसके अंदर एनर्जी स्टोर की बोल सकते हैं। लेकिन इसके लिए कुछ ना कुछ चार्ज या कुछ वोल्टेज तो होना चाहिए उसमें, यस सर। अब यहाँ पे इस ब्रांच को अगर देखें तो ये सर्किट के किसी दूसरे पार्ट से आगे क्लोज लूप तो बना नहीं रही, यस सर, क्लोज लूप नहीं बना रही। तो अगर हम यहाँ से ऐसे बोले कि यहाँ से कुछ करंट फ्लो हो गया तो वो होगा नहीं, हो नहीं सकता, क्लोज लूप जरूरी है करंट फ्लो होने के लिए। तो इस वाले ब्रांच में कोई करंट नहीं फ्लो होगा, कोई करंट नहीं फ्लो हुआ तो इस पे चार्ज आएगा ही, कुछ तो करंट फ्लो होना चाहिए इसमें। करंट नहीं फ्लो हुआ, चार्ज नहीं आया, तो चार्ज नहीं आने की वजह से हम बोल सकते हैं कि जो एनर्जी आएगी किसी भी फॉर्म में लिख के कर लो, जीरो। तो सर आपने एक बहुत अच्छी चीज बताई है कि अगर कोई सर्किट का कोई ब्रांच है वो किसी क्लोज लूप का पार्ट नहीं है, इसका मतलब वहां पे करंट हम जीरो कंसीडर कर सकते हैं, यस सर। अगर जैसे यहाँ पे एक जगह ग्राउंड किया होता तो भी अपन कंप्लीट नहीं मानते, यस सर। यहाँ ग्राउंड कर दिया होता, यस सर, तो अपन अब बोल सकते हैं, क्योंकि ग्राउंड का मतलब हम इनको भी आपस में कनेक्टेड बोल सकते हैं, यस सर। तो अब इसके अंदर अपन क्लोज लूप बोल सकते थे, फिर होता तो आंसर आ सकता था कुछ ना कुछ फाइनाइट वे, यस सर, ठीक है। फिगर
देखो हमारे पास पहले तो देखा जाए तो इसमें करंट क्या है, सपोज दैट आई नेट करंट, ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो आई के लिए हम क्या करेंगे, वी वाई आर नेट देखेंगे, ठीक है, तो आर नेट देखें तो ये दोनों पैरेलल में है, पैरेलल में है, तो इसका 2 × 6 2 ओम आ जाएगा, ठीक है, और ये तीनों के तीनों पैरेलल में हैं, और तो आर बाई थ्री इसका मतलब 2 ओम ये हो जाएगा, ठीक है, और ये दोनों पैरेलल में हैं, इसका मतलब इसका भी कितना हो जाएगा 2 ओम, ये तीनों सीरीज में हैं, तो 2 प्लस 2 प्लस 2, 6 ओम हो जाएगा, 6 ओम, तो 18 बाई 6, 3 एम्पियर करंट। मतलब ये जो करंट अपन डायरेक्शन बना रहे थे, यस सर, ये नेट करंट जो है वो 3 एम्पियर आएगा। अब यहां पर देखा जाए तो ये 3 ओम है, ये क्या है 6 ओम है, तो रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में करंट डिवाइड होगा। हाँ, तो इधर की तरफ भी जो इन दोनों का देखो 1/2 है, इसका मतलब करंट इधर जो रहेगी वो ट्वाइस रहेगी इसके, तो इधर 2 एम्पियर रहेगा और इधर रहेगा 1 एम्पियर, ठीक है सर, तीन को अपन डिवाइड कर, यस सर, ये 1 एम्पियर इधर करंट आया। अब यहां पर ये 2 एम्पियर करंट आया, तो ये देखो इधर यहाँ इस जंक्शन के ऊपर डिवाइड होगी, तो इधर 6 ओम है, इधर 6 ओम है, इसका मतलब ये 1 एम्पियर इधर जाएगा और 1 एम्पियर इसके अंदर जाएगा, इसका मतलब A1 का रीडिंग जो है वो तो क्या हो गया 1 एम्पियर आ गया हमारे पास, ठीक है सर। अब देखो इसमें 1 एम्पियर करंट है, इसमें भी 1 एम्पियर करंट है, तो इसके ऊपर 6 वोल्ट होगा, इसके ऊपर भी 6 वोल्ट होगा, और ये जो करंट 1 एम्पियर यहाँ की वो इधर नहीं जाएगी, किधर आएगी, केवल इधर आएगी, तभी तो यहाँ पे 6 वोल्ट ड्रॉप होगा, क्योंकि पैरेलल में है तो पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है, तो ये 1 एम्पियर जो था वो कंप्लीट यहाँ, या अपन ये बोल सकते थे सेम रेजिस्टेंस है, सेम वोल्टेज है, सेम करंट रहेगा डायरेक्टली, कोई दिक्कत नहीं। आगे अगर अपन चलें तो यहां पर देखा जाए तो ये 1 एम्पियर करंट आया, ठीक है सर, और यहाँ पे टोटल करंट कितना है 3 एम्पियर है, और ये करंट जो है इनवर्स रेशियो में रहेगा, इधर इसका मतलब इधर 2 एम्पियर रहेगा और इधर से कितना आएगा 1 एम्पियर आएगा, उल्टा अपन कर सकते हैं, इसकी जैसे बोल सकते हैं, बिल्कुल सर, तो ये 2 एम्पियर करंट जो है यहाँ पे है, तो ये देखो ये 1 एम्पियर था, ये तो इधर गया, सही, लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो 1 एम्पियर था और ये 1 एम्पियर था, ये दोनों 2 एम्पियर करंट इसके अंदर आ गया, सही, इसका मतलब इधर कोई करंट नहीं गया, तो इसके अंदर A2 के अंदर जो है वो क्या रहेगा, 0 0 रहेगा, ठीक है सर, तो इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर जो है 1 एम्पियर 0 एम्पियर सेकंड आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं सर, तो क्वेश्चन नंबर 7 में अपन को कलर वाला रेजिस्टेंस दे रखा है, कार्बन रेजिस्टेंस जिसको अपन बोल रहे हैं, और इसमें कुछ टॉलरेंस भी गिवन है, तो ये बताना है कि इसका जो वैल्यू है वो कितना है, यस सर, तो कलर कोडिंग को याद रखने के लिए अपन एक पैटर्न याद रखते हैं कि बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन हैव वेरी गुड वाइफ, यस सर, तो उसके बेसिस पे बी बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन हैव वेरी गुड वाइफ, आगे इसके बाद अपन गोल्ड और सिल्वर भी लेंगे और फिर नो कलर वाले कट गया सर, फिर इनका नंबरिंग जो रहता है वो अपन ये बोलते हैं कि पहला 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और इसका टॉलरेंस अपन बोलते हैं 5%, 10% नो कलर मतलब 20%, यस सर, मतलब तीन कलर जो है वो तो रेजिस्टेंस को बताएगा, चौथा जो है वो टॉलरेंस को बता रहा होगा। अब जो पहले दो कलर है उसके अकॉर्डिंग वैल्यू देखते हैं, तो रेड, रेड के करस्पॉन्डिंग 2, 2, तो पहला डिजिट लिखा आपने 2, फिर दूसरा वॉयलेट, वॉयलेट अपना नंबर दिख रहा है 7, तो इसके अकॉर्डिंग वैल्यू अभी 7। अब जो अगला कलर है वो पावर को बता रहा होता है, 10 रेज़ टू पावर, तो 10 रेज़ टू पावर ऑरेंज मतलब 3, पहले दोनों ब्लैक ब्राउन, यस सर, ये है ब्लू, तो ये ओम रेजिस्टेंस, इतना ओम रेजिस्टेंस यहाँ पर हो गया, और फिर टॉलरेंस के लिए अपन को बोल रखा है सिल्वर, सिल्वर बोल रखा है मतलब प्लस माइनस 10% टॉलरेंस इसमें हो सकता है, यस सर, तो ये रेजिस्टेंस हो जाएगा, ये अपना कौन सा 27 किलो ओम प्लस माइनस 7 किलो ओम प्लस माइनस 10, तो फोर्थ आंसर अपना करेक्ट, ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ये जेईई एडवांस 2015 में बहुत अच्छा क्वेश्चन आया, तो यहाँ पर देखा जाए तो एक ये अंदर स्क्वायर शेप का ड्रिल करके होल कर दिया, और इसके अंदर हमने एक रोड इंसर्ट कर दी स्क्वायर क्रॉस सेक्शन वाली आयरन की, और ये जो है वो क्या है एल्यूमिनियम, ठीक है, और
इसको हम यहाँ पे देख रहे हैं तो ये दोनों एक आयरन का और एक एल्यूमिनियम का दोनों जो रोड हैं वो एक दूसरे को पैरेलल में कनेक्टेड आप कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है सर, तो यहाँ पर देखा जाए तो आर एल्यूमिनियम क्या हो जाएगा, पहले एल्यूमिनियम की कुछ डेटा हमारे पास गिवन है, तो रो एल्यूमिनियम रेसिस्टिविटी लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम इनटू अपॉन में एरिया क्रॉस सेक्शन। ठीक है सर, तो यहाँ पे आर एल्यूमिनियम जो होगा हमारे पास वो क्या हो जाएगा सर, इसको थोड़ा सा आप नेक्स्ट पे ब्लैंक हो जाएगा, आर एल्यूमिनियम इज इक्वल टू रो एल्यूमिनियम जो है वो क्या गिवन है, रो अपना ये गिवन है एल्यूमिनियम का ये 2.7 into 10^-8 into length 50 mm into 10^-3 और एरिया क्या हो जाएगा, देखो इसका टोटल एरिया जो है वो 7 × 7 × 10^-6 हो जाएगा, लेकिन इसमें से ये 2 × 2 अपने को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तो एरिया हो जाएगा 49 − 4 × 10^-6 मीटर स्क्वायर। ठीक है सर, तो यहाँ से देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा 2.7 × 50 × यहाँ पे -8 है -10 -3 -11 हो गया -11 ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा यहाँ पे 10^-5 और डिवाइड में ये क्या हो जाएगा 45। देखो यहाँ पे ये 10 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 9 5 से कैंसिल कर दिया ये कितना हो जाएगा 0.3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप रखेंगे 3 × 10^-5 ओम ये एल्यूमिनियम का रेजिस्टेंस हमारे पास आ गया। इसके बाद में अगर अपन देखें तो आर आयरन का हम देखेंगे तो आर आयरन का देखने के लिए हमारे पास रो आयरन इनटू लेंथ ऑफ आयरन डिवाइड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया ये कितना है 1 × 10^-7 हमारे पास गिवन है -7 यस सर इनटू लेंथ 50 सेम है इनटू 10^-3 mm है मीटर में कन्वर्ट कर दिया एरिया कितना हो जाएगा 4 × 10^-6। ठीक है, तो यहां से देखा जाए तो ये से कैंसिल करेंगे 12.5 × 10^-4 हो जाएगा, तो इसको आप 1.25 या फिर 5/4 भी आप कंसीडर कर सकते हैं × 10^-3। ठीक है सर, तो ये आयरन का आ गया और एल्यूमिनियम का आ गया, तो यहाँ पे नेट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए सिंपल सा अपने पास फॉर्मूला है क्या, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आर आयरन इनटू आर एल्यूमिनियम बाय आर आयरन प्लस आर एल्यूमिनियम, इनकी वैल्यूज हम यहां से गिवन है तो वो पुट करेंगे तो 3 × 10^-5 × 5/4 × 10^-3 डिवाइड बाय 3 × 10^-5 प्लस 5/4 × 10^-3। ठीक है, इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो हमारे पास से नेट वैल्यू आर इक्विवेलेंट की जो आएगी वो कितना आएगी 1875/64 थोड़ा सा अपन ने गलत किया 1875/64 माइक्रो ओम आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अपना कौन सा आंसर रहेगा सर, इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर हो जाएगा सर सेकंड आंसर हो जाएगा। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पैसेज हमें एक गिवन है, इस पैसेज में ये बता रखा है कि इस नेटवर्क में R1 R2 रेजिस्टेंस कुछ ये जो कनेक्टेड है कि R1 यहां पे कनेक्टेड है R2 यहां पे कनेक्टेड है लास्ट में R3 बोल रखा है R3 कनेक्टेड है। अब पोटेंशियल जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड इन पॉइंट्स पे V1 V2 V3 VN ऐसे मार्क किया हुआ। अब हर एक पोटेंशियल जो है वो पहले वाले के प्रीवियस वन के k टाइम्स स्मॉलर है, पहले वाले से k टाइम्स स्मॉलर है, मतलब अगर ये V0 है ये V0 है तो इससे अगला वाला जो वोल्टेज होगा पहले वाले से k स्मॉलर बोला हुआ ग्रेटर बोला हुआ था मल्टीप्लाई बाय k कर देते स्मॉलर बोल रखा था V/k बोल दिया ये V0 था तो ये V0/k ऐसे ही फिर नेक्स्ट हो गया नेक्स्ट हो जाएगा V0/k
इस पहले वाले का k टाइम्स स्मॉलर तो बाय k स्क्वायर हो जाएगा, और नेक्स्ट इसी तरह से v नॉट बाय k क्यूब, इसी तरह से ये सीक्वेंस चलता जाएगा अपना। तो फाइनली जो हो जाएगा ये वी एन ही हो जाएगा, वी नॉट बाय के की पावर एन। यस सर, ये था। अब ये पूछा है कि आर वन और आर टू का रेशियो क्या है। यहाँ पर आर वन और आर टू का रेशियो पूछा हुआ है, तो अगर आर वन आर टू का रेशियो देखना है तो केवल यहीं पे मैं करंट को अगर देखना चाहूँ कि जो करंट यहां से आ रहा है वो करंट इसमें और इसमें जा रहा है। यस सर, तो इस करंट का एल्जेब्रिक सम में जीरो, या उधर से जितना करंट आ रहा है उतना इधर भेज देता, तो उसमें करंट आया पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस। यस सर, तो पोटेंशियल डिफरेंस यहां पे आ गया वी नॉट माइनस वी नॉट बाय के पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस आर वन। यस सर, इधर जो करंट गया अपना वो हो गया वी नॉट बाय के, यहां का पोटेंशियल माइनस ये पोटेंशियल डिफरेंस माइनस वी नॉट बाय के स्क्वायर, के स्क्वायर ये पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस आर वन। Yes, sir. और प्लस ये और ऐड करना है तो यहाँ का पोटेंशियल माइनस ये ग्राउंड है, जीरो पोटेंशियल। Yes, sir. तो प्लस ये आ गया वी नॉट बाय के माइनस जीरो डिवाइड बाय आर टू। यहाँ से आर वन आर टू का रेशियो अपन को निकालना है, तो आर वन वाले टर्म एक साथ कंसीडर कर लेते हैं, आर टू दूसरी तरफ एक बार कन्वर्ट कर देते हैं इसमें। तो इसी कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं, तो इस कैलकुलेशन में ये आ गया अपना के माइनस वन वी नॉट बाय के आर वन, तो ये था। yes, इसको और इधर ले आए तो ये हो गया माइनस का वी नॉट बाय के स्क्वायर कॉमन कर लो, बाकी ये भी हो जाएगा अपना के माइनस वन डिवाइड बाय आर वन। यस सर, और इक्वल्स टू इधर आ जाएगा अपना वी नॉट बाय के और आर वन, इसमें वी नॉट बाय के अपन सब में कैंसिल कर सकते हैं। यस सर, वी नॉट बाय के सब में से कैंसिल कर दिया, आर वन बाय आर टू था, आर वन इधर कॉमन ले लो, तो आर वन by R2 equals to, इधर तो कुछ बचा नहीं है, इधर वाली वैल्यू ही बची है अपने पास, जिसमें से भी k minus 1 तो दोनों के पास कॉमन है। यस सर, बाकी वैल्यू रह गई इधर सिंगल 1, इधर 1 by k, इधर 1 by k, तो ये आ जाएगा k minus 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय k, तो ये अपना आ जाएगा R1 by R2 का। तो इसके अकॉर्डिंग अपना जो ऑप्शंस हो जाएगा वो अपना ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ आंसर आ जाएगा इसके। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उस नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, इसी की भटक देते हैं। इसी के नेक्स्ट पार्ट में बोला है कि अब R2 by R3 का रेशियो क्या, ठीक है, तो R2 और R3 में लिंक के लिए हम पहले वाले की भी थोड़ी हेल्प ले लेंगे। पहले अपन ने R1 और R2 कैलकुलेट किया हुआ रेशियो, अब हम R1 और R3 का रेशियो यहां से निकाल लेते हैं। यस सर, तो R1 और R3 का रेशियो निकालने के लिए यहां का वोल्टेज अपन ने लिखा था V0 by k की पावर n माइनस 1, यहां का वोल्टेज था V0 by k की पावर n, ये था, और यहां का पोटेंशियल है 0। yes, तो मैं बोल सकता हूं कि जितना करंट इधर आ रहा है उतना ही करंट इधर पास होगा। yes, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस लिखा V0 by k की पावर n, तो कॉमन ले लिया पोटेंशियल डिफरेंस यहीं पे डायरेक्ट लिख देते। yes, तो बाकी जो रह गया यहां पे रह गया k माइनस 1 ये पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस आर वन, इसमें करंट, और ऐसे ही इसमें करंट हो गया v नॉट बाय k रे टू पावर n बाय r3। यस सर, अब इसमें v नॉट बाय k की पावर n अपना कैंसिल हो जाएगा, तो जो r1 बाय r3 आ जाएगा ये v नॉट बाय k n कैंसिल हो गया, तो r1 बाय r3 की वैल्यू अपनी आ गई k माइनस 1 के बराबर। अब इसमें r1 बाय r3 अपन ने कैलकुलेट कर लिया, पहले वाले में जो रिजल्ट आया था उसकी कुछ हेल्प ले लेते हैं। पहले वाले में अपन ने कैलकुलेट किया था R1 by R2 और उसकी वैल्यू आई थी K minus 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय K। यस सर, ये वैल्यू आई थी। अपन को पूछा हुआ है इसमें R2 by R3 रेशियो ले लेना दोनों का, तो यहां पर ये डिवाइड, पहले ये वैल्यू लिख लेते हैं R1 by R3, फिर डिवाइड में ये वैल्यू लिख देते हैं R1 by R2। तो ये वैल्यू है अपने पास K minus 1 और ये वैल्यू है k माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय k, जो ऊपर पहुंच जाएगा अपना। यस सर, एक k माइनस 1 कैंसिल हो गया तो k अपॉन k माइनस 1 के बराबर ये रेशियो आ जाएगा, ये आ गया अपना r2 बाय r3 r2 बाय r3। यस, तो इसके अकॉर्डिंग अपना ऑप्शन हो जाएगा थर्ड आंसर। यस सर, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा r2 बाय r3। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट इसी पैसेज का जो तीसरा क्वेश्चन है उस क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा है कि V0 से जो पास V0 के पास जो R1 रेजिस्टेंस है उससे करंट कितना फ्लो हो रहा है, इससे करंट कितना फ्लो हो रहा है वो हमें पूछा हुआ है। यही है। यस सर, तो इसमें करंट हमने पहले भी लिखा हुआ है वही वैल्यू, जो दोबारा एक बार लिख देते हैं
तो इससे करंट की वैल्यू होगी, यहां पे पोटेंशियल था वी नॉट बाई के, वी नॉट बाई के पोटेंशियल माइनस जीरो पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस, ये अपना करंट की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन अपन को यहाँ पे आर थ्री के टर्म में पूछा है, पर आर टू और आर थ्री में अभी पिछले वाले पार्ट में अपन ने रिलेशन निकाला था कि आर टू बाय आर थ्री वो अपना रिजल्ट आया था पिछले वाले के अंदर, ये रिजल्ट तो ये अपन लेते हैं कि अपॉन के माइनस वन, इसकी हेल्प लेते हैं और इसकी हेल्प से अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं आई की वैल्यू। तो करंट की वैल्यू हो गई वी नॉट बाय के, और आर टू को मैं लिख सकता हूँ के बाय के माइनस वन इंटू आर थ्री, के माइनस वन ऊपर चला जाएगा तो के माइनस वन ऊपर चला जाएगा, डिवाइड बाई के स्क्वायर हो गया इंटू आर थ्री इंटू आर थ्री वी नॉट बाई आर थ्री। इसके अकॉर्डिंग अपना जो ऑप्शन है वो ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ आंसर, फोर्थ आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है सर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर ए कंडक्टर ऑफ वेरिएबल क्रॉस सेक्शन इन व्हिच करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम क्रॉस सेक्शन 1 टू 2 10। देखो हमारे पास से एक कंडक्टर गिवन है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया सर हमारे पास से वेरी कर रहा है, जैसे जैसे आप राइट साइड में जाएंगे डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो अगर अपन बात करें यहाँ एक क्रॉस सेक्शन एरिया लेते हैं, तो किसी एक पर्टिकुलर डेल्टी टाइम में जो है जितना चार्ज यहाँ से पास करेगा उतना ही चार्ज यहाँ से पास करेगा, ठीक है। तो करंट चार्ज जो है वो सेम है डेल क्यू, तो डेल क्यू बाई डेल टी क्या होता है करंट, करंट तो आई जो है इसमें क्या रहेगा सेम रहेगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अपना फर्स्ट आंसर ये हो जाएगा, धारा को समान बताया हुआ है इसका मतलब फर्स्ट आंसर करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अब मोर देन वन चॉइस है ना, इसका मतलब हम और भी चांसेस हो सकते हैं सही होने के, तो आई करंट थ्रू वन इज लेस देन थ्रू टू, नहीं ये गलत हो जाएगा, पहला अपना सही हो गया, पहला सही हो गया तो ये उसका अपोजिट, उसका अपोजिट है। यस सर, थर्ड की बात करें, इलेक्ट्रॉन का अपॉन वेट एक पर दो की तुलना में कम होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट वन इज लेस देन टू, या फिर इसका जस्ट अपोजिट इसमें बोला हुआ है दोनों जगह सेम हो जाएगा। तो अभी स्टार्टिंग के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपने बताया था आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्म में हमारे को करंट के बारे में देखा जाए तो इसके अंदर आई तो क्या है सेम रहेगा दोनों क्रॉस सेक्शन पे, आई कांस्टेंट हम कंसीडर कर सकते हैं, तो एन जो है कंसंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है इसको भी आप कांस्टेंट, ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, इसका मतलब ए इनटू वीडी जो है इसके लिए आप क्या कांस्टेंट कंसीडर कर लेंगे, इसका मतलब वीडी जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी 1 बाय ए। तो जहां पे क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होगा वहां पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी कम होगी, तो क्रॉस सेक्शन एरिया ए का ज्यादा है यानी कि यहां पे वीडी जो है 1 वो क्या होगी कम होगी, देन वीडी एट 2 ये रिलेशन हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग अपना थर्ड जो है एक पर दो की तुलना में कम होगा, ये आंसर करेक्ट होगा। जो फोर्थ है वो क्या हो रहा है सेम बोल रहा है सेम नहीं हो सकता, इसका मतलब ये गलत हो जाएगा, तो अपना आंसर करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट और थर्ड, ठीक है सर। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें सर्किट में V1 V2 दो वोल्टमीटर दे रखे हैं, लेकिन आइडियल नहीं बोल रखे, उनके रेजिस्टेंस बता दिए अपन को कि इसका रेजिस्टेंस है 6000 ओम, इसका 4000 ओम। बैटरी जो दे रखी है उसका ईएमएफ है 250 वोल्ट ये बता रखा है, और बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस बोल रखा है कि उसको लो मत, जैसा बोल दिया सर्किट में वैसे वैसे ही कंसीडर कर लें इसमें। अब R1 R2 दो रेजिस्टेंस है, R1 R2 4000 ओम 6000 ओम जैसा ये थे वैसे के वैसे बस उल्टे लिखे हैं। तो अब पूछा हुआ है कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, वो पूछा हुआ है कि पहले अगर ये स्विच जो है वो अगर खुला हुआ है ओपन है तो यहाँ पर V1 पे रीडिंग कितनी आएगी, V2 पे कितनी रीडिंग है सर। तो V1 V2 पे वोल्टमीटर पे रीडिंग हम वही बोल देते हैं जो उसके टर्मिनल्स पे वोल्टेज जितना आता है उतना आ जाता है, इसका रेजिस्टेंस बोल दिया तो रेजिस्टेंस कंसीडर कर लेना है, और वोल्टमीटर है तो सर्किट सॉल्व करने के लिए वोल्टमीटर को हटा के उसकी जगह रेजिस्टेंस केवल अज्यूम करके हम सॉल्व कर सकते हैं। तो जब सर्किट ये ओपन है, ये स्विच ओपन है, तो उस टाइम पर ये दोनों में सेम करंट फ्लो हो रहा है तो हम इनको सीरीज में बोल दें। यस सर। और इन दोनों में भी वही हुआ कि ये दोनों भी सीरीज में सेम करंट फ्लो हो रहा है इनमें। यस सर। तो हमें इसके अक्रॉस वोल्टेज और इसके अक्रॉस वोल्टेज चाहिए, तो मैं बोल दूं कि टोटल वोल्टेज जो 250 है वो इसके अक्रॉस है। यस सर। पैरेलल में ये थे इसलिए सेम वोल्टेज हो गया, तो 250 वोल्ट इन दोनों के अंदर डिवाइड होना है। अब करंट सेम होता है तो हम बोल सकते हैं कि जो वोल्टेज है V = IR से रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल डिवाइड होगा,
तो यहाँ पे 6000 और 4000 का अगर रेशियो लेंगे तो 0 कैंसिल 64 कितना 3/2 रेशियो है, 3/2 रेशियो का। यस सर। तो हम क्या करें, टोटल वोल्टेज को 5 पार्ट में डिवाइड कर ले, पहले का वोल्टेज चाहिए तो 5 पार्ट में से तीसरा पार्ट इसको दे दो। yes. तो टोटल वोल्टेज 250 था, उसके 5 रेशियोज किए और okay. पहले को अपन को 3 रेशियो देने हैं तो इसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू हो जाएगी 150 आ जाएगी वोल्ट। तो इसमें 150 वोल्ट आ जाएगा, इसके अक्रॉस बाकी बचा हुआ इस पे 100 वोल्ट इस पे। यस सर। ठीक है, तो इसका मतलब V1 की रीडिंग होनी चाहिए अपनी, V1 की सर्किट स्विच ओपन है तो 150, इसका मतलब ये चाहिए। हाँ, और फिर सेकंड V2 के बारे में भी बोला रखा है, सेम स्विच ओपन है, दोनों ही सही हो गए, फर्स्ट सेकंड दोनों सही हो गए। अगले वाले पार्ट में अब बोल रखा है कि जब स्विच S ओपन है, yes, वो कंडीशन कि अगर स्विच ओपन है तो उस वाली कंडीशन में ये चेक किया हमने, ये अपन ने चेक कर लिया गलत, तो इसका मतलब थर्ड और फोर्थ अपना गलत हो गया। ओपन के टाइम पर चेक कर लिया, सपोज क्लोज के टाइम पर पूछा होता तो क्लोज के टाइम पे क्या हो सकता है इसके ऊपर V1 और V2 की रीडिंग, तो हम वो उसके भी देख लेते हैं, देख लेते हैं बस कि वो क्या होगा। तो अगर ये स्विच क्लोज होगा तो उस टाइम पर क्या रहेगा, ये दोनों अपने पैरेलल हो जाएंगे, ये दोनों भी पैरेलल हो जाएंगे। पैरेलल हो गए तो पैरेलल के अंदर वोल्टेज सेम दोनों के अक्रॉस इधर भी सेम रहेगा। अब इधर पैरेलल का अगर इक्विवेलेंट देखेंगे 4 और 6000 का, इधर भी 6 और 4000 का सेम आना है। यस सर। तो इनका इक्विवेलेंट और इनका इक्विवेलेंट सेम अगर आ रहा है तो मैं वोल्टेज को हाफ हाफ डिवाइड करता हूँ, टोटल वोल्टेज 250 है वो आधा इसके अक्रॉस आ जाएगा आधा इसके अक्रॉस आ जाएगा, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप आ गया वो 150 का हाफ 125 वोल्ट यहाँ पे आ जाएगा और 125 यहाँ पे। अब 125 है पैरेलल की वजह से तो वोल्टमीटर की रीडिंग आ जाएगी 125, इस वोल्टमीटर की भी 125। तो यहाँ पे अपन को ओपन करके बोल रखा था जबकि ये ऑप्शंस अपने क्लोज के अकॉर्डिंग आ रहे हैं, तो क्लोज बोला होता तो ये भी हो सकता था। जी सर। तो अपना फर्स्ट और सेकंड आंसर, फर्स्ट और सेकंड अपना आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। 14 फाइंड द नेट रेजिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। तो देखो सर, ये सर्किट थोड़ा सा ऐसे कॉम्प्लेक्स सा लग रहा है, उंड अराउंड ना सा लग रहा है, लेकिन अगर इसको देखें तो हमारे को एक बात ध्यान रखनी है कि अगर दो टर्मिनल किसी कनेक्टिंग वायर से डायरेक्ट कनेक्टेड है तो उनको आप सेम पोटेंशियल पे कंसीडर करो। इसको आप V1 मानेंगे तो ये भी V1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये आगे वाले जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, एक ही टर्मिनल पे कनेक्टेड है, तो इसको हम ओपन सर्किट मान लें, इसको सर्किट से रिमूव कर दें, इधर कोई करंट नहीं जाएगी, तो इसको हम यहाँ से रिमूव कर दें तो देखा जाए तो ये R रेजिस्टेंस हो गया और इसके साथ ये दूसरा R, ये दोनों क्या है सर्किट में कनेक्टेड है, तो नेट रेजिस्टेंस जो होगा वो 2R हो जाएगा। बहुत बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा देखते ही डर लगता है, देखते ही लग रहा था कि पता नहीं किस तरह से सॉल्व करना है इसको, लेकिन बहुत सिंपल हो गया। थैंक यू सर। तो अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में अपन को करंट आई और वोल्टमीटर वी इनकी रीडिंग पूछिए कि रीडिंग क्या होगी। देखो वोल्टमीटर अगर रेजिस्टेंस अगर बोला होता तो हम उसका रेजिस्टेंस इंक्लूड कर लेते, लेकिन yes, कुछ नहीं बोल रखा तो आइडियल ही कंसीडर करें। तो आइडियल वोल्टमीटर के अक्रॉस अगर हमें वोल्टेज चाहिए, इसका मतलब जहां पे भी कनेक्ट कर रखा वो वोल्टेज रीड कर लें। yes, और आइडियल है इसको हटा दें फिर yes, सर्किट दोबारा देख लें। तो बिना इसके सर्किट हमें देखना है और ये वोल्टेज रीड करना है। यस सर। करंट के लिए पूरा सर्किट में जो करंट जा रहा है, अब इसमें हमें वही सीरीज पहले सबसे पहले कुछ दिख रहे हैं, ये 8 और 4 सीरीज 12 सेम करंट फ्लो होता जाएगा 12 हो जाएगा। यस सर। 2 और 10 ये सीरीज तो ये भी 12 हो गया, ऐड हो गया 12 और 12 पैरेलल सेम रेजिस्टेंस है तो पैरेलल में हाफ हो जाएगा टोटल मिला के, तो 6 इनका हो गया, 6 ही हो गया, 0.4 ही हो गया। अब यहां पे भी ये 12 है, ये भी 12 है सीरीज की वजह से ऐड हो गया। यस सर। ये 41 और 7 48 सीरीज की वजह से, क्योंकि ये तो हट ही गया। yes, सेम करंट 48 हो। 12 और 48 पैरेलल है तो इनका इक्विवेलेंट निकाले R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, 12 और 48 ऐड कर दिया 60 और 12 5 से और इनको डिवाइड किया तो ये आ जाएगा अपना 9.6 ओम आ जाएगा, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके जैसे कर सकते, तो ये 9.6 ओम आ गया। तो 9.6 0.4 10 ही हो गया, 6 ये 16 ओम नेट रेजिस्टेंस और नेट रेजिस्टेंस अपना 16 ओम आ गया, नेट ओम नेट 16। फिर पूरे की जगह एक रेजिस्टेंस, ये इसलिए सीरीज में बोल दिया क्योंकि करंट सेम ही फ्लो होता जा रहा है, चाहे बीच में बैटरी दिख रही हो लेकिन करंट तो सेम ही फ्लो होना है। यस सर। तो क्या फिर अपन बैटरी को भी फिर मूव करवा दें,
मतलब एक दूसरे के पास रखें, yes, फिर बैटरीज को जब क्लोज रख देंगे एक दूसरे के पास, तो ये बैटरीज हमारी इस तरह से लगने लग जाएगी कि एक तो 20 वोल्ट की बैटरी है और एक 60 वोल्ट की बैटरी है। yes, sir. अब दोनों के पॉजिटिव पॉजिटिव साथ में कनेक्टेड है या टर्मिनल्स उल्टे बोल दें, yes, सीरीज के अपोजिट, इसका नेट वोल्टेज जो मिलेगा आपने को बैटरी का वो 40 मिल जाएगा। नेट वोल्टेज प्लस 60 माइनस 20, 40 वोल्ट दोनों की वजह से नेट वोल्टेज हो गया। ये नेट रेजिस्टेंस निकाल रखा था, तो टोटल करंट की वैल्यू हो जाएगी टोटल वोल्टेज 40 बाय टोटल रेजिस्टेंस 16, तो यहां से ये हो जाएगा 10/4, मतलब 2.5 एम्पीयर तो करंट की वैल्यू आ गई। यस सर, कि यहां पे जो करंट जा रहा है वो 2.5 एम्पीयर जा रहा है एक तो पे। फिर दूसरा अपन को चाहिए कि यहां पे वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी है। यस सर, तो करंट को डिवाइड कर दो कि यहां से जो करंट जा रहा है वो दो पार्ट में डिवाइड होगा। अब इनके अक्रॉस वोल्टेज, इनके अक्रॉस वोल्टेज सेम है, इसलिए करंट को हम V/R से बोल सकते हैं, करंट रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिवाइड होगा। तो 12 और 48, मतलब 1:4 हो गया कि ऊपर वाले में रेजिस्टेंस का रेशियो, यस सर, ये रेजिस्टेंस का रेशियो 1/4, तो करंट का रेशियो इसके इनवर्स में I2/I1। हमें नीचे वाले पे वोल्टेज चाहिए तो इसमें करंट निकाल लें, I2 की वैल्यू निकाल लें, तो I2 की वैल्यू हो जाएगी टोटल करंट अपना जा रहा था 2.5, उसके पांच पार्ट करना डिवाइड बाय 5 इनटू 1 और इनटू 1 पार्ट इसके पास जाएगा 0.5 0.5। इसका मतलब यहां से जो करंट जा रहा है वो 0.5 एंपियर, इसका वोल्टेज पूछा है तो वोल्टेज V इक्वल्स टू हो जाएगा करंट इनटू रेजिस्टेंस IR 0.5 इनटू रेजिस्टेंस 7, तो ये 3.5 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप यहां पे जाएगा। तो वोल्ट मीटर की रीडिंग आ गई 3.5, ये आंसर हो गया। करंट की रीडिंग, करंट जो मीटर है या करंट की जो रीडिंग है, ये बैटरी 12 वोल्ट है, ये 0 वोल्ट है, यानी कि इसका मतलब यहाँ पे प्लस का 12 वोल्ट रहेगा, तो यही वोल्टेज कहाँ पे ए पे 12 वोल्ट मिलेगा। A का जो V A है वो 12 वोल्ट हो गया, ठीक है, और ये यहाँ पे 0 है, तो इसका मतलब ये 6 वोल्ट की बैटरी है, तो यहाँ का वोल्टेज 6 वोल्ट रहेगा, तो ये जो है D V D ये कितना रहेगा 6 वोल्ट रहेगा, ठीक है सर। तो अगर हम A पॉइंट और D पॉइंट के बीच में देखें पोटेंशियल डिफरेंस, तो V A माइनस V D जो होगा वो कितना हो जाएगा 12 माइनस 6 = 6 वोल्ट। अब इस ब्रांच के अंदर हम सपोज दैट करंट कंसीडर करते हैं I, तो I कितना हो जाएगा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट अपॉन में R नेट कितना हो जाएगा 1+2 3 सीरीज प्लस 6 सीरीज में है, तो ये कितना एम्पीयर 6 ओम आ जाएगा, तो ये 1 एम्पीयर, ठीक है। अब देखो इसमें 1 एम्पीयर जा रहा है, तो इसके ऊपर पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा 1 एम्पीयर इनटू 1 इज इक्वल टू 1 वोल्ट ड्रॉप होगा, तो 12 था एक ड्रॉप हो जाएगा, यहाँ पे VB कितना हो जाएगा 12 माइनस 1 = 11 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है सर। अब इसके अंदर ड्रॉप कितना होगा यहाँ पर 2 × 1 2 वोल्ट, 11 यहाँ पे था, 11 माइनस VC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 11 माइनस 2 वोल्ट 9, ये 9 वोल्ट आ जाएगा, तो यहाँ का पोटेंशियल कितना आ गया 9 वोल्ट और ये 6 वोल्ट हमारे पास आ गया, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 देखते हैं, 17 में चलते हैं। इस 17 क्वेश्चन में करंट एक कंडक्टर में टाइम के साथ बता रखा है कुछ इस तरह से वेरी हो रहा है, यस सर, कि लीनियरली करंट डिक्रीज होते होते T0 टाइम के बाद 0 हो गया, शुरुआत में I0 था मैक्सिमम, उसके बाद डिक्रीज होते होते 0 हो गया। तो ऑप्शंस में पूछा था कि टोटल चार्ज कितना फ्लो हो रहा है कंडक्टर में, तो टोटल चार्ज, चार्ज और करंट में रिलेशन हम बोलते हैं I = dQ/dt, यस सर, या चार्ज पूछा है तो क्यू के लिए dt इधर ले जाके इंटीग्रेट कर दें, यस सर, या ऐसे बोल सकते हैं IDT, दोनों तरफ इंटीग्रेट किया ये टोटल चार्ज फ्लो आ जाएगा IDT का इंटीग्रेशन। लेकिन ग्राफ अपन को इंटीग्रेशन बहुत इजीली बता देता है, एरिया निकाल दे, एरिया बता दे, तो ये अपन अगर एरिया कैलकुलेट कर ले तो एरिया अपन को इंटीग्रेशन पार्ट बता देगा, यस सर। तो इसका एरिया ट्रायंगल की जैसे है, तो हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट कर दो, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट इनटू I0, तो ये अपना टोटल चार्ज फ्लो हो गया। तो फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट पार्ट में ही पूछा था कि कितना टोटल चार्ज फ्लो है। सेकंड पूछ रहा है कि जो करंट है उसका एक्सप्रेशन कैसा होगा टाइम के साथ साथ, तो ये लीनियर ग्राफ है, लीनियर लाइन की एक इक्वेशन है। अब लाइन के अंदर हम बोल सकते हैं कि लाइन की इक्वेशन में y = mx + c, जहां पे m उसका स्लोप होगा, यस सर। अब इसका जो स्लोप है वो है तो नेगेटिव, गिरता हुआ है, यस सर, तो पहले या तो नेगेटिव लगा दो, यस सर, फिर स्लोप
यहाँ पे हाइट बाय बेस से हम स्लोप बोलते हैं इसका, टेन थीटा निकाल के। वैसे तो हमें इस थीटा को बोलना था टेन थीटा, लेकिन हमने ये थीटा लगा दे के नेगेटिव लिख दिया, तो इस टेन थीटा से लिख दिया मैंने हाइट बाय बेस आई नॉट बाय टी नॉट, तो ये स्लोप आ गया। और सीन होता है आई नॉट, ये वाई एक्सिस पे जाकर इंटरसेक्ट कर रहा है वाई एक्सिस, तो यहां से अपना जो वाई पे है, वाई मतलब अपन बोल रहे हैं किसको, करंट को, आई इक्वल्स टू स्लोप माइनस आई नॉट बाय टी नॉट, एक्स एक्स पे अपना टाइम और सी प्लस आई नॉट, ये अपना करंट का रिलेशन आ गया, करंट एज ए फंक्शन ऑफ यस आई। अगले में पूछा हुआ है कि ये जो आर रेजिस्टेंस है मतलब सर्किट में, उस रेजिस्टेंस में से कितना पावर जो है, हीट जो है टोटल वो कितना डिसिपेट होगा। तो हीट के लिए अपन अगर लिखें करंट का इक्वेशन तो अपन रन देते हैं इसमें, yes, sir. तो करंट का इक्वेशन तो अपना आ गया था आई इक्वल्स टू आई नॉट बाय टी नॉट का नेगेटिव टी प्लस आई नॉट, ये था। यस सर, हीट कैलकुलेट करना है किसी रेजिस्टेंस में तो आई स्क्वायर आर, तो पावर बोल देते हैं, यस सर, पावर इनटू डीटी का इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये टोटल हीट आ जाएगा, यस सर, तो टोटल हीट इक्वल्स टू इसका स्क्वायर कर देते हैं पहले आई नॉट बाय टी नॉट का स्क्वायर साथ में टी स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन कर दिया सीधा ही, आई नॉट स्क्वायर प्लस टू ए इनटू बी, और ये वाला जो टर्म है यहाँ पे नेगेटिव है, ये तो आई स्क्वायर 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 यस सर इनटू आर और साथ में डी टी, इसको इंटीग्रेट करना है पूरे इंटरवल में जो अपना था जीरो से टी नॉट, यस सर, जहां पे जाके करंट अपना जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन अपना टी क्यूब बाई थ्री आ जाएगा, लिमिट रखेंगे तो टी नॉट क्यूब बाई थ्री हो जाएगा, तो ये आई नॉट स्क्वायर टी नॉट क्यूब बाई थ्री, टी नॉट स्क्वायर काट दो उसमें से, यस सर, तो ये टी नॉट रह जाएगा और बाई थ्री, बाई थ्री रह जाएगा, और एक रेजिस्टेंस बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे, I not square है साथ में dt multiply हो रहा है उसका integration आ जाएगा I not square t, yes sir, limit रखेंगे तो t not रह जाएगा, तो zero पे zero, ये यहाँ पे आ जाएगा इसका integration, yes sir, इसमें integration कर रहे हैं t है t square by two यहाँ पे आ जाएगा two cancel हो जाएगा और t not एक cancel हो जाएगा एक t not रह जाएगा I not square, तो I not square t not ये रह जाएगा और finally से r resistance multiply हो रहा, yes sir, अब ये दोनों तो cancel हो गए, yes sir, ये वन थर्ड रह गया, तो ये अपने पास हीट की वैल्यू आ गई वन थर्ड ऑफ आई नॉट स्क्वायर आर और टी नॉट, ये टोटल इसके अंदर हीट अपना डिसिपेट होता है, यस सर, तो अब अपना ये तीनों पार्ट पूछे थे वो तीनों पार्ट अपने हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज शोन इन फिगर, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर ऑफ 4 किलो ओम will be measured by the voltmeter of resistance 400 ohm. देखो ये voltmeter जो है ना, इसको भी आप 400 ohm का एक resistance consider कर सकते हैं, infinite resistance का नहीं है ideally. सही है। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये दोनों के दोनों क्या है dear? एक दूसरे के parallel हैं। तो इनका जो equivalent होगा वो 200 ohm. Same होने की वजह से आता है। ठीक है? तो ये दोनों को आप 200 की फॉर्म में देखेंगे तो ये 100 200 ठीक है, और यहाँ पे ये 100 और 200 तो यहाँ पे देखा जाए तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज का केस हो गया। व्हीटस्टोन ब्रिज का केस कैसे हो गया, ये 100 ओम और ये 200 ओम और यहां से ये 100 ओम और ये 200 ठीक है, और यहां पर ये क्या है, एक 100 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये बैटरी 10 वोल्ट की कनेक्टेड, और देखा जाए तो ये वास्तव में देखा जाए तो यहां पर जो वोल्ट मीटर है इस रेजिस्टेंस पर मिलेगा। हाँ, इसी को रीड कर लो, तो यहां पर देखा जाए तो 100 बाय 200 का बैलेंस कंडीशन है। हाँ, इसका मतलब इसको आप क्या कर सकते हो, इस रेजिस्टेंस को रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल है, तो इसको रिमूव करेंगे तो ऐसा देख सकते हैं कि 100 प्लस 200 300 और ये 100 प्लस 200 300 ठीक है, तो नीचे वाला टोटल रेजिस्टेंस और ऊपर वाली ब्रांच का टोटल रेजिस्टेंस क्या है, सेम है, तो इसके अंदर करंट जो होगी वो क्या हो जाएगी, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो सपोज दैट इसमें करंट हमारे पास क्या है, आई है,
ठीक है, तो करंट अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर करंट को कैलकुलेट नहीं करते हैं तो डायरेक्टली आप ये कहेंगे कि इसके ऊपर ऊपर वाले ब्रांच पे और नीचे वाले ब्रांच पे इक्वल 10 वोल्ट ड्रॉप होगा। तो 10 वोल्ट जो है वो ये दोनों सीरीज में है, तो यहाँ पे करंट मान लो I1 है, यहाँ पे करंट है I2, तो इसमें पूरे में करंट सेम रहेगी। इसका मतलब V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। तो इन दोनों का रेशियो क्या है, 1:2 है। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू टोटल 2/टोटल सम ऑफ रेशियो 1/3 इनटू टोटल 10, तो 20/3 वोल्ट आ सकता है। ठीक है सर, और अदरवाइज हम लोग इसका नेट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो 150 ओम आ जाएगा, टोटल करंट आ गई। तो ये I1 जो है और I2 जो है दोनों सेम रहेंगी, तो इसकी नेट करंट I/R करके यहाँ पे अपन वोल्टेज कैलकुलेट कर सकते हैं। जी सर, तो अपना आंसर हो जाएगा 20/3 वोल्ट इसका। ठीक है सर, तो इसी के साथ अपना जो कंप्लीट हो गया है। अभी अपना सेकंड पार्ट और बाकी है, तो सेकंड पार्ट अपन डिस्कस करेंगे अगले वाले में, गुरु नीति 22 में। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू सभी को। थैंक यू।